जयति श्री वल्लभार्यो जयति च विट्ठलेश्वर प्रभु श्रीमान पुरुषोत्तमश्च तैश्च निर्दिष्टा पुष्टि पद्धति जय। तमहं सर्वदा वंदे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये। डिस्टर्बेंस नहीं होता है तो बस कल अपन ने यमुनाष्टक देखियो सुनियो और जहां तक चर्चा को प्रश्न तो वहां मैं मनोज बाबा ने काफी परिश्रम सु तात्पर्य निर्णायक षड्विद लिंगन को वहां मैं योजन की और वहां पे कुछ चर्चा चाहिए जैसी होनी चाहिए थी इतनी उपाय पर चर्चा दूसरे दिशा में गई वो यमुना जी के वो भी इतनी महत्वपूर्ण थी। कोई आवश्यकता नहीं है या वक्त करें पर कभी न कभी वह एंगल से भी यमुना स्टक को विचार आवश्यक और या आलेख पत्र को भी विचार आवश्यक है। एक जो बात आती के यमुना जी के स्वामिनी या तुरियप्रिया तरीके की जो लीला है वो उतनी नहीं मिल रही है तो एक तो महत्वपूर्ण बात वहां में ये आती कि भागवत में नहीं मिल रही है ये तो सच्ची बात है पर सर्वथा एब्सेंट है ऐसे भी नहीं है जो कि दाऊ जी के प्रसंग को लेके शायद बाबा ने याद दिवाई तो थोड़ी बहुत मिल भी रही है। मेरा अर्थ यह है कि प्रिया को जो रूप है उनको वा रूप की नदी के रूप की तो चर्चा भागवत में बहुत विस्तार से है। वहां में अपन ने कल ये देखियो कि यमुना जी जो हैं वो पुष्टि शक्ति को प्रभु को स्वरूप है जैसे श्री राधा जी जो हैं वो आत्मरति को स्वरूप है और आत्मरति जो है वो एक तरह को एक दूसरी परिभाषा से कहूं तो यूं कह सकूं कि डायनेमा है जो अपने को कृष्ण के तरफ अग्रसर होने के लिए डायनेमिक फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं।
पर वो जो भी डायनेमिक फोर्स प्रोवाइड करते हुए वो ऑलमोस्ट अंतर्यामी जैसे हुए कि अंतर्यामी भी डायनेमिक फोर्स है अपने भीतर, और वो गाइडलाइन अंतर्यामी को देना जरूरी नहीं है, क्योंकि अपनी यदि दुर्वासना है तो अंतर्यामी जो है वो दुर्वृत्त के लिए गाइडलाइन देगो, और अपनी सद्वासना है तो अंतर्यामी सद्वृत्त के लिए गाइडलाइन देगो। या इसलिए महाप्रभु जी ने अंतर्यामी के संदर्भ में कही है कि अंतर्यामी को भक्तिपूत करना चाहिए। भक्तिपूत मने भक्ति सुशुद्ध कर लो अंतर्यामी को, एक वक्त भक्ति के कोई जल में अंतर्यामी को स्नान करा के अपरस में लिया हो तो फिर अंतर्यामी मिसगाइड नहीं करेगो। तो वो भक्ति कहो के पुष्टि कहो, पुष्टि भक्ति कहो, यदि पुष्टि भक्ति को सेंस ले लो तो यमुना जी सु अंतर्यामी की शुद्धि अपन सजेस्ट कर सके हैं, और वह यमुना जी की पुष्टि भक्ति से यदि अंतर्यामी शुद्ध हो जाए तो अंतर्यामी कभी मिसगाइड नहीं करे। तो वह पार्ट में जैसे अंतर्यामी डायनेमिक फोर्स होते भाई भी मिसगाइड कर सके है, एग्जैक्टली वही सिचुएशन में आत्मरति भी डायनेमिक फोर्स होते भाई भक्ति को मिसगाइड कर सके है, और वो मिसगाइड अपने को तब नहीं करे कि जब अपने पे श्री शक्ति डायनेमिक मोटिवेशन अपने को देती हो और पुष्टि शक्ति अपने को भगवान के तरफ खींच के ले जा सकती हो। न दुर्लभ तमार अतिर मुररी पव मुकुंद प्रिय व न्यायसु, तो वो क्योंकि पुष्टि शक्ति खुद गूढ़ है, या के लिए यमुना जी को वो स्वरूप जो है वो गूढ़ भी होए तो कोई चिंता की बात नहीं है। वैसे कल भी मुकुंद निरंतर या बारे में एक मन में विचार कौंध तो रहे हो पर बोलने को साहस नहीं हो पाए हो, और वो ये कि ये बात सच है कि भागवत में वह तरीके को रूप नहीं है, मगर इतने सारे पुराण हैं उनमें कोई में भी है कि नहीं, ये सर्वे किए बिना अपन कहें तो कुछ थोड़ी धांधली हो जाएगी। सो बहुत सारे वैष्णव पुराणों में बहुत सारी लीलाएं इतनी वर्णित हैं कि उन सबको सर्वे किए बिना सहसा अपने को या कंक्लूजन पे जंप नहीं लगाना चाहिए कि ये स्वामी यमुना जी को चतुर्थ प्रिया वालों जो स्वरूप है वो स्वामिनी स्वरूप वो कहीं मिले नहीं है, क्योंकि भागवत में नहीं मिले स्वाभाविक बात है, पर पुराणांतर में मिले कि नहीं मिले या बारे में अपने को कोई भी एक साइड के डिसीजन पे उतरने के पहले थोड़ो पुराणन को सर्वे करना बहुत जरूरी है, खास करके महापुराण जो है आठ महापुराण उनको। हाँ पद्म पुराण में पर वो या ढंग को नहीं मिले, वो तो टीका में उद्धृत किया है, पर वो स्वामिनी वालों स्वरूप मिले है कि नहीं मिले वो पाछे देखना चाहिए। तो एक तो ये बात है, और दूसरी एक बात जो हती खास ध्यान रखने की यमुना जी के स्वरूप के बारे में, वो ये हती के यमुना जी यमानुजा हैं, सूर्य की पुत्री हैं, और सूर्य की पुत्री होने के रूप में यमानुजा होने के रूप में तो यमुना जी को वर्णन ऋग्वेद में भी मिले, पर वहां यमुना नाम से नहीं मिलकर यमी नाम से मिले है, और वो यमी जो है यम और यमी संवाद बहुत प्रसिद्ध है, वहां में यमुना जी को बहुत ही मैंने वेम्पायर टाइप को कैरेक्टर बताया है, तो वो अच्छा कैरेक्टर नहीं बताया है। अब वो यमी और यमुना एक हैं कि अलग हैं, ये सब भी काफी हमें विचारने को प्रश्न है, पर समझो कि एक हो तो फिर अपन ये बात समझ सकें कि यमी जो है वाको कोई आदिदैविक रूप भागवत में नहीं है तो नहीं है, पर कम से कम ऋग्वेद में तो अवेलेबल है ही ना, तो इतनी चिंता की फिर विषय नहीं रह गयो। और समझो यमी दो रूप हैं, यमी और यमुना दो हैं, तो फिर पाछो अपने को खोजना रहे हो पुराण अंतर में, क्योंकि यमी के अलावा यमुना को नदी को रूप वर्णन जो है वो वेद में भी मिले है, इमम में गंगे यमुने सरस्वती शतुद्रिस्तोम सचता परुष्णिया असिकनिया मरुद्वृदे वितस्तया जी की ये शुणुया सुशोमया। तो वहां जो है वो एक आदि दैविक रूप नहीं पर आदि भौतिक नदी रूप तो मिले ही है, पर
वो आदि भौतिक रूप मिलते हुए तो एक बात खास और वहां में ध्यान देने की है, जो कल को शरद बाबा को खास प्रश्न था वहां में ये कि वेद में कोई भी जो या तरीके की भौतिक फिनोमिना है, आदि भौतिक फिनोमिना है, वो अपने आदिदैविक कैरेक्टर से रहित नहीं है, ये एक वेद को जनरल प्रिज्यूम्पशन है। और वो जनरल प्रिज्यूम्पशन होने के कारण यास्क मुनि ने कहा है कि कोई भी तत्व ऐसा नहीं है कि जहां में देव नहीं हुए, हर एक तत्व को देव तो है ही। और क्योंकि वहां प्रश्न ये आवे है कि जैसे अग्नि को वर्णन कर रहे हैं, वायु को वर्णन कर रहे हैं, पृथ्वी को वर्णन कर रहे हैं, जल को वर्णन कर रहे हैं, तो इन सब के कॉरेस्पॉन्डिंग देव वेद में हैं। और वहां ये प्रश्न उठाया गया कि क्या ये भौतिक इनके स्वरूपन की स्तुति हो रही है कि उनके आदिदैविक स्वरूपन की स्तुति हो रही है। तो वहां में पाचो वेद को बहुत ही एकदम स्पष्ट स्वरूप एक सिद्धांत यह है कि जितने भौतिक रूप हैं वो सब के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई न कोई आदिदैविक रूप है, और जब स्तुति करी जा रही है तो उनके भौतिक रूप की नहीं पर आदिदैविक रूप की स्तुति करी जा रही है। तो पुराण वर्णन नहीं भी करते हुए और खुद या श्रुति में इमम में गंगे यमुने सरस्वती शतुद्री स्तोमम सचता परुष्णिया असिकनिया मरुद विधे वितस्तया जी के ये शुणु या सुनो तुम मेरी बात। तो सुनो तो बहती नदी को तो नहीं कहा जा सके, तो वेद भी ये प्रिज्यूम करके चले हुए कि यमुना नदी केवल यमुना ही नहीं, गंगा यमुना सरस्वती शतुद्री इन सबको कोई एक ऐसा स्वरूप है कि जो अपन कुछ स्तुति करें तो वो सुन सके है। और वो सब देव अलग अलग हैं कि एक है, वाके बारे में तो यास्क ने बहुत सुंदर कही है कि इन सारे देवन की विविधता में महाभाग्य सुख जाको होए वाकु एक देवता स्फुरित हुए, और जाके दुर्भाग्य हुए वाकु अनेक देवताएं स्फुरित होते हुए। महाभाग्याद एका देवा सर्वत्र स्तुयते। तो वह एक को ब्रह्म को ये अनेक आदिदैविक रूप हैं, वो वेद के एंगल से देखने में तो कोई अपने को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब रही बात के कृष्ण लीला जो खास स्पेसिफिक अपनो यमुनाष्टक को सब्जेक्ट मैटर है वो पुराण में है कि नहीं, तो वहां में सहसा नहीं है कहनो या सहसा है कहनो, मेरे हिसाब से थोड़ी धांधल होगी। एक वक्त अच्छो अष्टादश पुराणन को सर्वे करके अपने को देखना चाहिए। ब्रह्म वैवर्त आदि जैसे बहुत सारे पुराण हैं कि जिनमें वृज की लीला को विस्तार से वर्णन है, तो उनको एक वक्त अच्छो सर्वे करके और फिर पता लगाना चाहिए जो भी कोई कंक्लूजन अपने को लेना है। तब तक अपने को ये कंक्लूजन पोस्टपोन करना चाहिए। एक बात मैंने खुलासा के रूप में गूढ़ होने की जो कही थी, तो वैसे गूढ़ को बोलचाल भाषा में बहुत सारे रूपों में, पर एक खास बात समझो कि गूढ़ जो है वो गूहन धातु को भूत कृदंत कुप्ता है, जैसे गत कृत ऐसे गूहनम को गूढ़ वो हो हस्य ढा एक सूत्र है, वो ह को ढा हो जाए है, गुहितम निगुहितम प्रयोग है भूतकृदंत को, पर वो नी उपसर्ग लगने पे वो ढ नहीं हुए है, पर नी उपसर्ग नहीं लगे तो गूढ़ गुहित नहीं होके गूढ़ हो जाए है। तो वाको मतलब है छिप्यो भयो। तो थोड़ी सी कल ये बात मैं कहना चाहता था पर वो टाइम के प्रेशर से मैं कह नहीं पायो कि कोई भी गूढ़ को अपोजिट है प्रकट, प्रकट को अपोजिट है, क्योंकि कटे वर्षावरणे हो, कट को मतलब है आवरण,
प्रगत कट आवरणम यस्मात, जा में कट मैंने आवरण प्रगत हो गयो, रिमूव हो गयो, वाकु प्रकट कह जाए। और जो गूढ़ है वाको मतलब है कि जो छुप गयो है पाछो। तो सबसे पहले तो प्रकट और गूढ़ ये इंटर रिलेटेड टर्म है दोनों, और इंटर रिलेटेड है इतना ही नहीं, इनमें एक और खास समझना, खास ध्यान देने की बात है कि इंटर रिलेटेड टर्म होने के बावजूद कभी भी ये एब्सोल्यूट तो हो ही नहीं सके। कोई भी प्राकट्य एब्सोल्यूट प्राकट्य नहीं है, और कोई भी जो है सो छुपनो एब्सोल्यूट छुपनो नहीं है, रिलेटिव ही होवे। कोई रिलेशन में कोई चीज छुपी भई हुआ है, कोई रिलेशन में कोई चीज प्रकट हुआ है, कोई के रिलेशन में कोई चीज जो है वो गूढ़ हुआ है, कोई के रिलेशन में कोई चीज प्रकट हुआ है। तो सहज संभव है कि अपने रिलेशन में या पुराणन के रिलेशन में वो चीज गूढ़ भी होए तो होने दो वाकू, पर महाप्रभु जी को जहां तक रिलेशन है वह रिलेशन में वो चीज गूढ़ नहीं होके एकदम प्रकट है। क्योंकि वो जो मंगलाचरण गोसाई जी ने कियो है, विश्वोद्धारार्थमेवाविर्भूत वृंदावन प्रिया सदा तात चरणामयी विठले, तो विश्वोद्धारार्थमेवाविर्भूत वृंदावन प्रिया में वो एक्चुअली सोचो तो महाप्रभु जी के बहुत सारे गूढ़ रूप के दर्शन गोसाई जी ने किए हैं। महाप्रभु जी ने स्वयं ने भी वो वातरे सु प्रकट नहीं किए थे करके महाप्रभु गोसाई जी अपने आप को ऋषि कहे, ऋषि अग्नि कुमार अस्तु, मैं ऋषि हूं, मंत्र दृष्टा मैं हूं, या रहस्य को मैंने जान्यो है। तो वो महाप्रभु जी को बहुत सारो स्वरूप जो है, जो ये पुराणन को अपन उद्धृत करें वो तो ऐसे ही बंकस कोटेशन है, कोई पुराणन में है नहीं, कोई के दिल में फितूर आ गई के लगाओ पुराण में चढ़ा दो, वो तो कलव पुस्तक विक्रेता क्षेमराज जो भविष्य भविष्य पुराण छाप रहे तो क्षेमराज तो वाने वो भी एक दिन की इतनी सारी भविष्यवाणी है, मम्मी एक मेरी भविष्यवाणी और जान देखे तो नुकसान क्या है कि कलयुग में पुस्तक को विक्रेता क्षेम खेमराज प्रिंटिंग प्रेस हो कोई ने हल्ला मचाए हो कि महाप्रभु जी गोसाई जी कहाँ है, लगाओ एक वचन लगा दिए पुराण में, वो तो प्रामाणिक वचन नहीं है, अप्रामाणिक वचन है। और वो उनको अप्रामाणिक मानना अपने लिए या लिए भी जरूरी है कि गोसाई जी जो हैं अपने स्पष्ट कह रहे हैं कि ऋषि अग्नि कुमार अस्तु, मैं या मंत्रण को मंत्र दृष्टा ऋषि हूं, महाप्रभु जी के या स्वरूप को गूढ़ दृष्टा गूढ़ स्वरूप को दृष्टा मैं हूं। तो यदि ये गोसाई जी की बात को मिथ्या नहीं सिद्ध करनी हो तो उन पुराण वचन को अपने को खुले दिल सु, अब क्या है कई जगह बड़े ने लिखवा रखे हैं, लिखे भय पोस्टर पे भी खुदवा के रखे हैं, और चारों ओर वहां का प्रोपेगेंडा भी हुआ है कि हाँ हाँ मिल गयो रे मिल गयो महाप्रभु जी को वचन, वो पुराणन में वो वचन है ही नहीं, ऐसे ही दकेल पंचा दौड़ सौ वालों कोट किया जाएगा है नहीं वो। तो जैसे महाप्रभु जी के स्वरूप के गूढ़ स्वरूप के दृष्टा मंत्र दृष्टा ऋषि श्री गोसाई जी हैं, ऐसे यमुना जी के भी गूढ़ स्वरूप के मंत्र दृष्टा अपने को महाप्रभु जी को मानने में कोई हिचकिचाहट होनी चाहिए। अब रही बात यह कैसे वो जो संप्रदायतर विद्वान है उनको कैसे कन्विंस करना, तो एक बात समझो कि संप्रदायतर विद्वान उनके सामने वो यमुना जी को रूप गूढ़ रहे, वहां में अपने ठाकुर जी को भी रुचि है, महाप्रभु जी को भी रुचि है, और अपने को भी रुचि है, क्योंकि अधिकारी पाके है वाणी नहीं कोने उच्चार, जो जाको अधिकारी नहीं है वाके सामने व्यर्थ में वो स्वरूप प्रकट ही नहीं करना चाहिए, फायदा क्या प्रकट करके, महात्म्य ज्ञान वालों पहलू, हाँ बस महात्म्य ज्ञान वालों रूप प्रकट करना चाहिए। पर यमुना जी को देवी रूप नहीं है ऐसा नहीं है, क्योंकि एक सहज बात आपको बताऊं, अपन सबन ने बाबा नेपाल की यात्रा करी है, वहां हजार साल पुरानी यमुना जी की मूर्ति है वहां मंदिर में, वहां अपन गए थे, वहां गंगा यमुना की मूर्ति दोनों कछुआ के और मकर वाहिनी और
कच्छप वाहिनी की दोनों स्वरूप वहां हजार साल पुरानी मूर्ति है और वासु डेढ़ हजार साल पुरानी लगभग मूर्ति अजंता में एलोरा में यमुना जी और गंगा जी की दोनों की खूबसूरत में खूबसूरत मूर्ति है एलोरा में। तो देव देवी को रूप आदिदैविक नहीं है यमुना जी को, ये तो पुराण में नहीं मिले ऐसी कथा हो ही नहीं सके, क्योंकि उनको मूर्ति कैसे बनानी, वो मूर्ति बनाने को आखो विन्यास को प्रकार, उनको सारा स्वरूप को प्रकार, जैसे इतर देवी देवताओं को मिले है वातैसु गंगा यमुना को भी मिले है और बनियो भयो है ऑलरेडी अवेलेबल है और इतनी बड़ी रेंज में भारत के कि वह बाजू काठमांडू और या बाजू नीचे औरंगाबाद तक वो अवेलेबल है और बल्कि फर्दर साउथ में भी वो स्वरूप अवेलेबल है। यमुना जी की बहुत सारे स्वरूप मिले हैं उत्खनन में आर्कियोलॉजिस्टन को, तो वो सब जगह अवेलेबल है स्वरूप, पर वो स्वरूप जो है पाछो वहां में एक बात ध्यान से समझो कि वो दैविक देवी को जो स्वरूप है यमुना जी को आदिदैविक स्वरूप, वो चार तरह से अपन ने कृष्ण को श्रृंगार और कृष्ण को सारो स्वरूप के जैसो यमुना जी को स्त्री स्वरूप को जो गूढ़ एक स्वरूप खोजियो है, एक सहज संभव है कि कृष्ण को ये श्रृंगार तो श्री महाप्रभु जी गुसाई जी ने धरायो हिंदुस्तान में वाके पहले कहीं भी नहीं हो, तो जो अपन ने कृष्ण को मुकुट काचनी को श्रृंगार धरायो वो कोई प्राचीन भारत को श्रृंगार नहीं है, तो वो तो महाप्रभु जी गुसाई जी ने अपने भाव से वो श्रृंगार प्रकट कियो है। तो जब वो श्री ठाकुर जी को वह तरीके को श्रृंगार वस्त्र आभरण प्रकट किए तो वह वस्त्र आभरण के साथ अपन ने यमुना जी को भी स्वरूप वैसा बनायो। प्राचीन काल से यमुना जी के दोनों तरीके चित्र भी मिलते रहे हैं, एकदम साड़ी के वेश में भी यमुना जी के चित्र मिले हैं और अपन ने भी वहां में छापे है पुष्टि विधानम में फ्लैपर तरीके यमुना जी निकल के और कमल दे रही हैं ठाकुर जी के श्रीहस्त में, वो चित्र अपन ने भी छापे है, तो वो साड़ी वाला स्वरूप भी मिले है और या तरीके को चित्र भी मिले है यमुना जी को के जामे कृष्णता अपने को कृष्ण रूपता प्रकट समझ में आवे, पर ये पौराणिक नहीं होके पुष्टि मार्गी है, ये बात अपने को स्पष्ट समझनी चाहिए। और बाकी रही गूढ़ता के कारण कुछ आशंकाएं होने की प्रश्न, तो एक सहज रीत से अपन ये बात भी समझ सकें कि जिन जानवरन को आंख नहीं है उन जानवरन को भी दिखे नहीं है ऐसा नहीं है, उन जानवरन को भी दिखे है जिनको आंख नहीं है, जिनको कान नहीं है उन जानवरन को भी सुनाई दे है, जिन जानवरन को जो है वो पग नहीं है वो जानवर है भी चले हैं और जिन जानवर के हाथ नहीं है अपने तरीके के वो जानवर है भी कुछ तो पकड़े ही है। तो ये अपाणी पादो जवनो ग्रहिता जो ब्रह्म को स्वरूप बतायो है वो सिर्फ ब्रह्म को ही ऐसा नहीं है, बहुत सारे जानवरन में अपन या बात को कॉमन फीचर तरीके समझ सके हैं। तो जब अपन कॉमन फीचर तरीके समझ सके हैं तो एक बात बायोलॉजिकली और प्राणी शास्त्र के तहत एकदम साफ स्वीकारी गई बात है कि जा तरह से उन जानवरन को दृश्य दिखे है वैसो दृश्य उनसु एडवांस स्टेज के जो जानवर हैं जिनकी आंख के रेटिना जैसे मक्खी को जा तरह से दिखे है वह तरह से अपन को नहीं दिख सके, अपन को जा तरह से दिखे वह तरह से मक्खी को नहीं दिखे, हर जानवर की अलग अलग आंख के जो स्ट्रक्चर है वाक्य हिसाब से जानवर उनको दिखते हुए है। अब वो वाक्य लिए गूढ़ है अपने लिए प्रकट होएगो, अपने लिए प्रकट है वो वाक्य लिए गूढ़ होएगो, जैसे जो रोड्स एंड कोन्स अपने आंख के रेटिना में हैं
वो जिन जानवर उनके आंख के रेटिना में नहीं है तो बहुत सारे कलर उनको नहीं दिखे हैं, कलर उनको नहीं दिखे हैं वाको मतलब ये नहीं कि उनको दिखे नहीं है, उनको भी दिखे है, पर उनको काम कैसे चल रहे है तब अपन जानवर के अंदर घुसे तब पता चले, मगर उनको भी काम वही तरह से चले है जा तरह से कलर देखने के बाद अपनो काम चले है। तो ये एक गंभीर रहस्य है गूढ़ता को और प्राकट्य को, और जैसे अपन को जो दिख रहे है वासु कहीं ज्यादा अपने को जो है वो मैंने विज्ञोर में दिखे है, क्योंकि जो विजुअल जो रेंज है लाइट की वो उतनी ही अपने को दिखे है, पर अल्ट्रावायलेट मधुमक्खी को दिखे है तो अल्ट्रावायलेट से दिख तो वह पिक्चर वस्तु अपने लिए गूढ़ है, और पता नहीं मधुमक्खी को अपने को जितने कलर की वैरायटी दिखे उतनी दिखे हैं कि नहीं दिखे हैं, तो नहीं दिखती होंगी तो शायद वो मधुमक्खी के लिए गूढ़ होगा। सो ये ऑलवेज रिलेटिव टर्म है, ये गूढ़ और प्रकट होने में इतनो बहुत दुखी नहीं होना चाहिए। मैं आपके अर्थ में नहीं कह रही हूँ, एक जनरल प्रिंसिपल के अर्थ में कह रही हूँ। एक सामान्य प्रयोग करके भी अपन देखेंगे ना, एक अभी अपन यहां बैठे में एक प्रयोग करके देखो, आंख मीच के देखो, आंख ऐसे करो, उंगली को आकृति नहीं दिखेगा मगर उंगली मूव कर रही है दिखेगा, दिखे ना दिखे, उंगली की मूवमेंट दिखे है, वो आकृति रूप रंग गूढ़ है मिची भाई आंख में, पर मिची भाई आंख से भी उंगली की मूवमेंट दिखलाई दे रही है वो प्रकट है, उंगली वो के वही है पर वाके रूप रंग आकृति गूढ़ है, खुली आंख में वो प्रकट हो जाए। तो ये सब रिलेटिव टर्म है, हमें इतनी घबराने की बात नहीं है। एक तो ये अपन ने कल देखे, तो दूसरी बात शरद वर्सेस श्याम की थी, तो मैं वाकू भी छोड़ो आप ही कह, अगर अल्लाह हो तो मैं भी तैयार हूं पहले मेरी तो सुन लो तो वहां पर मैं कुछ बात खास ध्यान दिलाना चाहूं, क्योंकि अच्छी चर्चा भई और बड़ी उपयोगी और आवश्यक चर्चा भई। शरद बाबू के गले उतरे कि नहीं उतरे वो इमटीरियल है, मेरे गले उतरे कि नहीं उतरे वो इमटीरियल है, या मैटर को डिस्कस करनो प्राइम नेसेसिटी है, ये मेरा स्पष्ट अभिप्राय है। तो वह संदर्भ में मैं एक कुछ बात बताना चाहूंगा। जैसे एक बात समझो कि मैन इज सोशियल एनिमल, अपन सब जाने मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, पर कोई मनुष्य के, ये पॉलिटिशियन की बात अलग है और एनजीओ की बात अलग है, बाकी जो नॉर्मल, ये तो सब एबनॉर्मल मनुष्य हैं, नॉर्मल मनुष्य नहीं है, जो नॉर्मल मनुष्य हैं उनकी मैं बात कर रही हूं कि कोई भी नॉर्मल मनुष्य जो है वो सोशल एनिमल होने के बावजूद सारे सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन या कॉन्टेक्ट में नहीं रहे है। जो वाको सर्कल है वाके साथ वो इंटरेक्शन और कॉन्टेक्ट में रहे है, और वो पूरा एक ग्रुप जो है वो दूसरे ग्रुप के साथ इंटरेक्शन और कॉन्टेक्ट में रहे है, या तरीके की हेरार्की हो गए है इंटरेक्शन की और कॉन्टेक्ट की। तो हर धर्म ने, ये बात ध्यान से देखिए बात, या बात को काफी महत्व दियो है कि अपने को पड़ोसी को अपनो भाई मानना चाहिए, खास करके बाइबल के तो 10 कमांडमेंट्स में ये बात आई है कि ट्रीट दाय नेबर एज योर ब्रदर। तो इवन इस्लाम में भी कहो है, अपने यहां भी या बात पे काफी भार है। अब देखो एक सामान्य बात बताऊं, मैं भगवत धर्मानुरोधी समर्पण और लोक धर्मानुरोधी समर्पण की बात कर रहा हूं, तो भगवत धर्मानुरोधी समर्पण और लोक धर्मानुरोधी समर्पण की तरह ही एक पैराफ्रेजिंग अपन करें,
क्योंकि मनुष्य सोशल एनिमल है, वाकू पड़ोसी की जरूरत है सोशल होने के कारण। हर मनुष्य को पड़ोसी की जरूरत है। या के दो स्वरूप हो जाएं, पड़ोसी को मेरी जरूरत है, मोकू पड़ोसी की जरूरत है। पड़ोसी को मेरी जरूरत है, ये एक धर्मानुरोधी भाव है, और मोकू पड़ोसी की जरूरत है, ये एक दूसरा धर्मानुरोधी भाव है। अपने यहां के धर्म में अपन सोचें तो आप यूं कह सकें कि पड़ोसी को मेरी जरूरत है, ये शायद अहंकार धर्मानुरोधी भाव है। तुमने अपने आप को या तरह से अपनी अहंकार को इन्फ्लेक्ट करी है। मोकू पड़ोसी की जरूरत है, ये ममता अनुरोधी भाव है। मनुष्य में रहे भाई ममता धर्मानुरोधी भाव है कि भाई पड़ोसी के बिना कैसे रह जा सके। अब दोनों आवश्यकता तो पड़ोसी की है, हर मनुष्य को पड़ोसी होने के नाते, पर आवश्यकता के दोनों भाव हो सके कि नहीं, इन दोनों भावन में दो डिफरेंट एंगल से अपन सोचें तो जैसे ब्रह्म धर्म भगवत धर्मानुरोधी को अपन ने थोड़ो ग्लोरीफाई किया अपन ने, यानी पुरुषोत्तम जी ने, और लोक धर्मानुरोधी को थोड़ो नेगेटिव बतायो, या तरीके को ग्लोरिफिकेशन और थोड़ी नेगेटिविटी यहां भी खोजी जा सके कि तुम यो सोचो कि सो तुम इतने महत्वपूर्ण हो कि तुम्हारी गरज पड़ोसी को है, और तुम इतने दीन हो जाओ कि तुम यो सोचो कि तुमको पड़ोसी की गरज है। पर इन दोनों में चार कैटेगरी बने कि नहीं बने वो मैं आपको दिखाना चाहूं, वो खास शरद बाबू के लिए, क्योंकि यहां तो कोई पुरुषोत्तम जी को प्रश्न नहीं है ना कोई पंक्ति को प्रश्न है, एक 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 नॉर्म को प्रिंसिपल है कि मनुष्य सोशल एनिमल होने के कारण वाकू पड़ोसी को ख्याल रखना चाहिए। वापस देखो ये बात कितनी साफ सुथरी उभर के आवे है। जैसे अपने यहां के एंगल्स ओपन सोचें, जो महाप्रभु जी ने एवं सर्वम ततः सर्वम स इति ज्ञान योगता यस सेवते हरिम प्रेमणा श्रवणादिभिरुत्तम प्रेमा भावे मध्यम ज्ञाना भावे तथा धीमा उभयोरप्य भावे तु पापनाश तत्व भवे, जो मॉडल प्रपोज कियो, अथवा पुष्ट्या विमिश्रा सर्वज्ञा प्रवाहेण क्रियारता मर्यादया गुणज्ञास्ते शुद्धा प्रेमणा ति दुर्लभा, वो और ये मॉडल अलग हैं, ऐसे मत मानो। मैंने निबंध की भूमिका में इन दोनों मॉडल को एक ही बतायो है। शास्त्रार्थ प्रकरण की मेरी भूमिका देखोगे तो हमें ख्याल आएगा कि ये दो मॉडल नहीं है, तो वहां भाषा अलग वापर है, यहां भाषा अलग वापर है, बात एक की एक मॉडल को दो तरह से महाप्रभु जी कह रहे हैं। तो ये मॉडल को अपन एक्सेप्ट करें, ये मॉडल को एक्सेप्ट करें, और थोड़ो सा अपन टर्मिनोलॉजी चेंज करें कि जैसे अपन कंफ्यूज ना हो जाएं, तो अपन सीधे ढंग से ये कह सकें कि पड़ोसी को मेरी अपेक्षा है, ये अपनो एक भाव भी हो सके है, ये अपनो एक बोध भी हो सके है, ये अपनो एक व्यवहार भी हो सके कि नहीं हो सके। पड़ोसी को मेरी जरूरत है, ये मेरा भाव हो सके, एकदम शुद्ध भाव, निरुपाधिक भाव। मेरा बोध हो सके, बींग ए सोशल एनिमल, मेरो व्यवहार हो सके है, बींग ए सोशल एनिमल। तो जैसे ये हो सके है, ऐसे ही वाइस वर्सा, पड़ोसी को मेरी जरूरत है, नहीं मोकू पड़ोसी की जरूरत है, ये भी पाछो भावात्मक हो सके है, बोधात्मक हो सके है, और व्यवहारात्मक हो सके कि नहीं हो सके। तो यदि हो सकते हो तो एक मनुष्य को दूसरे पड़ोसी की जरूरत है, या के मॉडल में सबसे पहले दो भेद, मोकू वाकी है और वाकू मोकी है, मेरी है, वाके पाछे तीन और तीन छह भेद। देखो ध्यान से समझो, तीन और तीन छह भेद हो रहे हैं, क्योंकि भाव बोध और व्यवहार,
मोकू और भाव बोध और व्यवहार वाकू। आयन ख्याल में छह भेद वाकू और मोकू, मैंने छहों के छह मेरे में ही है हो, माइंड इट। पड़ोसी यहां अभी पिक्चर में नहीं आ रहे हो, मैंने पड़ोसी को मेरी आवश्यकता है, ये मेरो भाव, ये मेरो बोध, ये मेरो व्यवहार, मुकु पड़ोसी की आवश्यकता है, ये मेरो भाव, ये मेरो बोध, ये मेरो व्यवहार। ऐसे एक व्यक्ति के भीतर पड़ोसी की आवश्यकता के छह प्रकार हो गए। आवश्यकता फिर समर्पण तक जाएगी ना, कहां बात जा रही है वाकू समझिए, ये रनवे ये है पर टेक ऑफ वाई एंगल से होने वाला है, तो अपन वाक्य प्रति समर्पित होंगे आवश्यकता है तो वो छह में जैसे ये अनिषिद्ध छह प्रकार हैं, ऐसे निषिद्ध दो प्रकार भी हो सके। कौन सो कि जब मैं यू कहूं कि अहंकाराती रेखसु, ये बात कहूं कि पड़ोसी को क्या है, मेरे बिना तो पड़ोसी को काम ही नहीं चले, मतलब या मैं न भाव रह गयो, न बोध रह गयो, न व्यवहार रह गयो, ये अहंकार को अतिरेक हो गयो, तो ये प्रकार सु यदि कोई पड़ोसी की आवश्यकता मानतो हो तो वो पड़ोसी की आवश्यकता निषिद्ध कोटि में आएगी कि नहीं आएगी, वो निषिद्ध कोटि की आएगी। ऐसे ही मोकू पड़ोसी की आवश्यकता है, वहां में स्वार्थ को अतिरेक हो तो हो, कुछ करना है, चलो पड़ोसी के यहां, घर में ऐसे नमक नहीं है, लाओ पड़ोसी के यहां से, घी नहीं है जो महाप्रभु जी ने और रजो की क्षत्राणी के वहां में टसल में वो आयो के लाओ पड़ोसी के यहां से, तो वैसे स्वार्थ को भी हो सके। अब स्वार्थ को हो सके तो बाकी निषिद्धता भी आएगी, क्योंकि तब अपन सोशल एनिमल के तरह सु वाकू नहीं लेके अपनी जो ममता को अतिरेक है वह तरह से काम कर रहे हैं, या ममता के अतिरेक में अपन सीधो से एक बात समझ सके, जैसे अभी मैंने रिसेंटली जोक पढ़ो के अपने यहां तो वो नहीं है पद्धति, पर वहां यूरोप अमेरिका में क्या हुआ है, हरेक को अपने घर के आगे लोन रखना जरूरी हो गए, वो लोन रखें वह लोन को घास काटने वालों एक मशीन हो गए वो भी सबको कंपलसरी रखना पड़े, क्योंकि घास उग जाए वहां पे भी पेनल्टी होती हो गए, वहां तो घास को काट के भी रखना पड़ता हो गए अमेरिका में। तो एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के पास गयो कि वो जरा लोन को जो है मूवर जो है वो मुझको चाहिए तो तुम दे पाओगे, मन के क्यों तुम मेरे पड़ोसी हो तुमको जरूर दे पाऊंगा पर मेरे लोन के बाहर मत ले जाइए, तुमको वापरना है तो जरूर तुमको दूंगा, तुम तो मेरे पड़ोसी हो पर तुम मेरे लोन के बाहर वाकु मत ले जाइए, मतलब बात क्या कि मेरी लोन को घास तुम काटो, तुम्हारी लोन को घास मेरी मूवर नहीं काटेगी। अब देखो ये पड़ोसी का ही भाव है पाछो, हाँ हाँ तुम तो मेरे पड़ोसी हो तुमको नहीं दंगो तो कौन को दंगो, पर इतनी कह लीजिए कि मेरे मूवर जो है वो मेरे लोन के बाहर नहीं जावे। अपने यहां भी ये दुर्घटना भई है, अपने यहां भी ये दुर्घटना भई है, अपन समर्पण की बात कर रहे हैं पर जैसे शातिर जोधपुरी को विधा ने अभी यही आयो है वहां में, तो वहां में वो कह कैसे वहां में मैंने बड़ी मजेदार बात कही है कि जो जघन्याधिकारी है वो जघन्याधिकारी को घर में सेवा करने की नहीं सुविधा है तो आपको मंदिर में आना चाहिए, क्यों मंदिर में आना चाहिए, क्योंकि तनुजा और वित्तजा एक सेवा नहीं है दो सेवाएं, अच्छी बात है तनुजा वित्तजा दो सेवाएं अच्छी बात है, पर वित्तजा सेवा तुम मेरे यहां करियो मैं तुम्हारे यहां नहीं करूंगा यदि तनुजा वित्तजा दो सेवाएं तो जैसे वैष्णव को महाराज के यहां करनी चाहिए ऐसे महाराज को वैष्णव के यहां करनी चाहिए कि नहीं,
वो नहीं, वो लोन मेरी और मूवर भी मेरो, तो ये तो फिर गड़बड़ हो गई कि नहीं। अब अपन कह रहे हैं समर्पण को गुणगान बात कर रहे हैं, समर्पण की बात कर रहे हैं, तनुजा वित्तजा बेसिकली समर्पण को इम्प्लीमेंटेशन है, माइंड इट। तो समर्पण को इम्प्लीमेंटेशन होने के बावजूद भी, और वहां में सौगंध खा के अपन ये कह रहे हैं कि ये भगवत धर्मानुरोधी समर्पण है, क्योंकि भगवान जो है वो दैवी जीव को अंगीकार करने के लिए तो विराजव है। तो भगवान दैवी जीव को अंगीकार करने के लिए विराजव है, या के लिए तुमको जो है वो हमारे हवेली में आके समर्पण करना चाहिए। तो भाई वो वैष्णव क्या विराजे हुए, ठाकुर जी देवी द्रव्य अंगीकार करने के लिए नहीं विराजे, तुम वहां क्या जाके क्यों नहीं कुछ वित्त जा सेवा कर रहे हो, ये बात नहीं कर रहा। तो ये देखो भगवत धर्मानुरोधी समर्पण भी निषिद्ध प्रकार को स्वार्थातिरेक के कारण हो सके है, नहीं हो सके ऐसी बात नहीं है। और या कोई एक स्पष्ट अपन उदाहरण देखें तो अपने को समझ में आएगा कि समर्पण बेसिकली भाव रूप हो सके है, बोध रूप हो सके है, व्यवहार रूप हो सके है, और निषिद्ध रूप भी हो सके, वो भगवत धर्मानुरोधी भी और लोक धर्मानुरोधी भी, वहां भी यही प्रकार आठों के आठ प्रकार आएंगे। और वहां में देखने की खूबसूरती एक बात देखो कि कृष्णदास जी को आगरा में वेश्या नाचती भई मिली, अचानक उनको यह स्फुरित भयो कि ये तो बहुत दैवी जीव है, इतनो सुंदर कंठ है, इतनो सुंदर नाच रही है, शनाथ जी के सामने आपको ले जाना चाहिए। उनने शनाथ जी को समर्पित कर दी। अब शातिर जोधपुरी इजीली ये बात कह सके कि ये जो है वो सिद्धांत तो तभी स्थापित हो गया, तो वो चियर गर्ल को आज अपन छप्पन भोग और कुंडवारा में क्यों नहीं नचवा सके, जो क्रिकेट में चियर गर्ल नाचवे आवे टांग उठा उठा के, उनको अपन ऐसे कुंडवारा छप्पन भोग में भी ला सके। कोई हल्ला मचाए कि भाई ये चियर गर्ल यहां क्यों लिया है कुंडवारा छप्पन भोग में, बोले तो जब कृष्णदास अधिकारी जी ने आगरा में वेश्या को नाचती भाई खड़ा किया और उसकी सदगति हो गई, तन या जग पट क्यों, मेरा मन गिरधर छवि पट क्यों, वही दिन सिद्धांत स्थापित हो गया कि चियर गर्ल जो है वह अंकुट और छप्पन भोग और कुंडवारा में आके नाच सकें, क्यों नहीं नाच सकें, नाच सकें भगवत धर्मानुरोधी समर्पण में, क्यों नहीं नाच सकें, डेफिनेटली नाच सकें। पर रहस्य वहां में समझने को यही है कि कृष्णदास अधिकारी ने वो आगरा की वेश्या को नचवा के शनाथ जी के मंदिर में भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं नचवायो, उत्तम वस्तु हती और शनाथ जी को समर्पित करने को भाव हतो। आज अपन शनाथ जी को गांव की भीड़ इकट्ठी करने के लिए कैश करते हुए तो समर्पण को नेचर तो बदल गया कि नहीं, भगवत धर्मानुरोधी होते भाई भी। आज अपन समझो चेयर गर्ल को बुलाएंगे तो एक बेसिक क्वेश्चन तो ये आएगा ना कि लोग जो है वो ठाकुर जी के दर्शन करने आएंगे ज्यादा के चियर गर्ल के दर्शन करने आएंगे। यदि चियर गर्ल के दर्शन करने आ रहे हैं तो अपन कहेंगे उत्तमाधिकारी तो ठाकुर जी के ही दर्शन करेगा, पर जघन्याधिकारी पर इतना द्वेष क्योंकि वो चियर गर्ल के दर्शन करने नहीं आ सकता है। चियर गर्ल के दर्शन करते हुए भी भगवत अभिमुख तो हो सकता है कि नहीं, और जब भगवत अभिमुख होगा तब उसका उद्धार तो निश्चित है, क्योंकि नहीं कल्याण कश्चित दुर्गति तात गच्छति। तो या चियर गर्ल को समर्पण ठाकुर जी को करने पर पुष्टि मार्ग कहां जाएगा ये तो सोचना चाहिए कि नहीं, सिद्धांत तब स्थापित हो गया है, सिद्धांत तो तब स्थापित हो गया डेफिनेटली कि जादिन ऐसो वेश्या नाची। तो ये बात अपने को स्पष्टतया समझनी पड़ेगी कि भगवत धर्मानुरोधी समर्पण को भी निषिद्ध प्रकार हो सके है। ऐसा नहीं है कि भगवत धर्मानुरोधी समर्पण को निषिद्ध प्रकार नहीं हो सके है, और लोक धर्मानुरोधी समर्पण को भी ऐसो उत्तमोत्तम प्रकार हो सके है। वह मॉडलिंग अपन देखें भाव बोध और व्यवहार, तो ये जब बात देखें तो ये सारो प्रभेद जो है वो आठ प्रकार को नहीं हो के कितने प्रकार को हो रहे हो है, वो मैं खाली आपके सामने पॉसिबिलिटी एन्यूमरेट करना चाह रहे हूं। वो आप देखो कि व्यवहार ऐसो कि जो बोध सु पैदा भयो, बोध ऐसो कि जो भाव सु पैदा भयो, एक प्रकार समर्पण को दोनों साइड में लागू करते जाइयो,
भगवत धर्मानुरोधी समर्पण और लोक व्यवहार अनुरोधी समर्पण को व्यवहार ऐसो के समर्पण के बोध सु पैदा भयो, बोध ऐसो के जो भाव सु पैदा भयो। दूसरो प्रकार कैसो व्यवहार रहित बोध और भाव खाली है समर्पण को, ऐसा नहीं हो सके क्या? व्यवहार नहीं है। महाप्रभु जी पुष्टि प्रवाह मर्यादा में वही तो कह रहे हैं ना, गुणज्ञ, गुणज्ञ है, सेवा नहीं कर रहे हो, गुणगान कर रहे हो, सेवायाम वा कथायाम वा। तो कथायाम वा कल्प में क्या है कि वो भक्ति को गुणज्ञ है, भजनीय को गुण को जान रहे है, पर भजनीय के गुण के जानने के बावजूद भजनीय के भजन भजनीय के साथ भजनात्मक व्यवहार में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे है, क्योंकि मर्यादाया है वो। तो व्यवहार रहित भाव और बोध भी तो एक समर्पण को प्रकार हो सके, ऐसे ही बोध रहित व्यवहार और भाव रूप भी हो सके। बहुत सारे ऐसे मैंने भोले लोग हते परे जैसे कि जिनको बोध नहीं हतो, नहीं हतो तो नहीं हतो, और उनको भाव और व्यवहार तो मैंने जब गुसाई जी को जाके कहे हो कि भाई एक पत्तल से काम मेरा नहीं चलेगा, दो पत्तल दो मुको, दो भाई एक आदमी को दो पत्तल क्यों देनी हो, परे भी तो मेरे साथ है कि नहीं, एक पत्तल से कैसे काम चलेगा। देखो बोध नहीं है, बोध नहीं है, पर भाव व्यवहार परे को एकदम स्पष्ट है। तो वा तरीके को भी व्यवहार हो सके, भाव रहित व्यवहार बोध भी हो सके। जो मैं समझू के कम से कम मैं अपनी छाती पे हाथ धरू तो अपनी स्थिति ऐसी है कि अपने को भाव नहीं है, पर बोध तो अच्छी तरह से अपनो कर्तव्य ये है, और थोड़ा बहुत जो निभे है वो कर्तव्य भी अपन भजनात्मक व्यवहार प्रभु के साथ निभा तो पा ही रहे हैं। बहुत अच्छे ढंग से नहीं निभा पाते होंगे, पर भांग्यू तो है भरूच कुछ तो निभा तो पा रहे हैं कि नहीं। भाव भले नहीं हो तो नहीं हो, तो नहीं हो तो क्या करें, होगो तभी तो होगा ना भाव। तो ऐसी एवरेज अपनी स्थिति है। तो समर्पण में ये सारी वेराइटी आएंगी, इन सारी वेराइटी के आने के कारण कितने भेद हुए, मतलब व्यवहार और भगवत धर्म दोनों में ये तीन एक एक कैंसिल करते पाए। भाव सुबोध बाकी सब कॉम्बिनेशन परमिटेशन सोचे तो कितनी वेराइटी पैदा हो रही है समर्पण के। पहले व्यवहार, व्यवहार के कारण फिर बोध और भाव। एग्जैक्ट एग्जैक्ट, थोड़ी सी वह पॉसिबिलिटी पे ध्यान दो तो समर्पण के लोक व्यवहार अनुरोधी समर्पण और भगवत धर्म अनुरोधी समर्पण की जो पूरी जो विब ग्योर है वो कितने कलर से रिच कलर है। वहां में निषिद्ध कलर भी आएगा, वो भी मैंने बता दिया, क्योंकि दोनों में निषिद्ध प्रकार भी आएंगे। तो या तरह से ये उतनो सिंपल बात नहीं है जितनी पुरुषोत्तम जी की पंक्ति के फेस लेवल पे अपने को दिखलाई दे रही है। फेस लेवल पे भगवत धर्मानुरोधी समर्पण और लोक व्यवहार अनुरोधी समर्पण में कुछ अपने को सिंप्लिसिटी दिख रही है कि यासु ये उत्तम है, पर जब अपन ये सारी कॉम्प्लेक्सिटी पे ध्यान देंगे तो वो सारे गुण प्रकार या में सु ही प्रकट हो रहे हैं, या में कोई अपने को शंका को स्थान नहीं है। ये एक बात मैं खास कहना चाहूंगा। बाकी तो जो भी कॉम्बिनेशन परमिटेशन है वो करके वर्कआउट करके देखोगे तो नंबर एग्जैक्ट ख्याल में आएगा कि कितने प्रकार हो सके हैं। तो एक ये मैटर हती, और तीसरी क्या हती कल जो एक और मैटर, खैर वो तो कल ही रिजोल्व हो गई। तो ये सारो अपन ने कल सोचियो विचारियो डिस्कस कियो। हाँ, तो ये सारो प्रकार है जिन तपन ने सोचो, और ये सोचने के बाद अब आज अपने पास सबसे पहलो पेपर रसिक भाई को विवेक धैर्य और आश्रय को है, और या पत्र की प्रस्तुति असित कर रहे हैं, असित करेगा।
टाइम रसिक भाई को पेपर है विवेक दैराश्य ग्रंथ में फल या पेपर में प्रमुखतया दो बातें हैं। एक बात ऐसी है जो सब पेपर की तरह ही है और एक बात ऐसी है जो कोई पेपर में नहीं है, इनके पेपर में ही है। तो पहले अपन वो बात देखें जो सब पेपर की तरह या में भी है। ये हने हर एक पेपर में अपन ने देखो प्राय कि एक एक ग्रंथ है वहां में क्या फल को निरूपण है वो बताया है। तो ऐसे इनको टॉपिक है विवेक दैराश्य। तो पेज नंबर 4 से लेके पेज नंबर 17 यहां तक ये बात आ रही है कि विवेक दैराश्य में फल को निरूपण कैसे है। और यहाँ के पहले के पेज 103 और 17 के बाद वहां में दूसरी बात आ रही है। अभी जो विवेक दैराश्य में फल को निरूपण है वो कैसे है तो यहाँ के बारे में इन्हें टेक्स्ट के अनुसार पहले विवेक क्या है, धैर्य क्या है, आश्रय क्या है वो सब बताया है और फिर उनको कोरिलेशन क्या है वो बताया है। तो या मैं माने ज्यादा करके जैसे कि जो भूमिका है विवेक दैराश्य की वाक्य आधार पर कियो है और थोड़ा बहुत टीकासु भी लियो है इन्हें। त्या में एक जनरल सिनॉप्सिस ऐसी बन रही है कि विवेक और धैर्य एक यूनिट है और आश्रय एक अलग यूनिट है और जो विवेक और धैर्य है वो अपने आप में आश्रय को उपोद्बलक है, वाक्यांग है। माने विवेक धैर्य अपने को सिद्ध होएंगे तो आश्रय वासुदृढ़ होएगो और अगर विवेक धैर्य नहीं है और केवल आश्रय है तो आश्रय भी अपनो अगर बढ़े तो वाक्य कारण धीरे धीरे विवेक धैर्य सिद्ध हो सके। तो यासु ये कह रहे कि ये जो विवेक धैर्य आश्रय में मुख्य जो फल है वो आश्रय है और विवेक धैर्य वाक्य अंग है। अगर विवेक धैर्य भी है और आश्रय भी है तो बहुत अच्छी बात है, एट मिनिमम आश्रय है तो विवेक धैर्य आ जाएंगे लेटर और सुना, ये बात है। अब यहां में जो टेक्स्ट में एक एक पंक्ति से मैं नहीं जा रहा हूं पर जनरली जैसे विवेक है तो चार तरीके बताए, माने एक तो बाकी भूमि व्याख्या जैसे महाप्रभु जी ये कह रहे बताई है कि विवेकस्तु हरि सर्वम निजे छात करिष्यति, ये पेज नंबर 5 पे व्याख्या ये बताई है। और बाद में ये प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे साधक को डील करनो ये जो विवेक की व्याख्या है वाको, तो वाके लिए 4 बताए हैं कि अभिमान को त्याग, प्रार्थना को त्याग, हट को त्याग और अनाग्रह आग्रह को त्याग। तो ये 4 जो है वो विवेक को स्वरूप वासु संपन्न हो जाएगा। यदि जीवन में अपन ने प्रार्थना को त्याग कियो, अभिमान को त्याग कियो, हट को त्याग कियो और आग्रह को त्याग कियो और ये अपन बना पाए अपनी मनोवृत्ति की मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो प्रभु अपनी इच्छा से कर रहे हैं तो विवेक सिद्ध हो जाएंगे। तो ये पेज नंबर 5, 6 और 7 आ दो यहां तक आता है। फिर धैर्य है तो त्रिदुख सहनम धैर्यम, तो आमे मां प्रभु जी ने जैसे 4 बताई है भावन धैर्य को कैसे करना, तक्रवत देहवत जड़वत गोप भार्यवत, ये सब इन्हें पेज नंबर 7, 8, 9, 10 और 11 आदि वहां तक बताया है। और फिर बात आ रही है आश्रय की, आश्रय में महाप्रभु जी ने माने कौन सी परिस्थिति में जानो शरण में वो सब एन्यूमरेट कियो है वो इन्हें बताइए परिस्थिति सब दुख हानो पापे भय कामाद्य पूर्णे वगैरह। और फिर वाको आचरण में कैसे लानो, तो एवं चित्ते सदा भाव्यम वाचा च परिकीर्तये, फिर अन्य भजन को त्याग करनो, फिर अविश्वास नहीं करनो, फिर जो प्राप्त है वाको निर्मम होके सेवन करनो,
ये सब बात बताई है। तो ये इनने पेज नंबर 11 से शुरू करके 17 में पूरी करी, ये सब आश्रय को निरूपण है। तो कुल मिला के बात ऐसी आ रही है कि जो विवेक धैर्याश्रय में फल तया आश्रय को निरूपण है और विवेक धैर्य वाक्य अंग तया निरूपित हुए। अब यहां में कुछ मुझको पूछना है तो पीछे करो। और दूसरी बात जो ये कह रहे हैं वो कोई पेपर में नहीं है जो ये यहां कह रहे कि ये जो अपन ने कौन से ग्रंथ में क्या फल को निरूपण है ये विचार तो कियो है, वो तो सेमिनार के तहत अपन विचार रहे, पर और एक बात विचारनी चाहिए कि ये फल जो संप्रदाय में अपन ने बताए हैं माने ये इनको पेपर या सब पेपर उनको, तो वो संप्रदाय के अनुयायी इनको कैसे प्राप्त हुए, वाके लिए क्या होना चाहिए। तो वो विचार भी इनके हिसाब से आवश्यक है। तो ये इन्होंने प्रासंगिक सुश ये उपक्रम सु पेज नंबर 4 और फिर 17 पे विशेष नॉन वहां से लेके लास्ट तक किया है। तो हमें कुल मिला के कुछ ऐसा कह रहे हैं उनको मंतव्य माने कि जैसे माने कोई बड़ी कंपनी हो गई वो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करे तो आके लिए कैंपेन करे, तो कैंपेन में जैसे आजकल करे तो वेबसाइट लॉन्च करे कंपनी की, वहां पे सब डिटेल देवे कि हमारी कंपनी कैसी माने वहां को मिशन स्टेटमेंट क्या है, वहां को ऑर्गेनाइजेशन कैसो है, वहां में एक्सपर्ट्स कौन कौन से है, वहां के प्रोडक्ट कौन कौन से है, वहां की यूएसपी क्या है, वहां के क्वालिटी कंट्रोल्स क्या, ये सब बताया जाए। यूएसपी माने यूनिक सेलिंग पॉइंट, यूनिक सेलिंग पॉइंट, सेलिंग पॉइंट खासियत माने वहां प्रोडक्ट में क्या है। तो वो सब बता वैसे, तो ऐसे अपने मार्ग को यदि अपन को ये करना है प्रमोट करना है तो अपने को भी कुछ या तरीके को कैंपेन करना चाहिए जहां में अपन अपने जो आचार्य है वो कैसे है, अपने यहाँ के ग्रंथ है वो कैसे है, अपनी साधना प्रणाली है वो कैसी है, वो सब अपने को हाईलाइट करना चाहिए, वह तरीके को कैंपेन करना चाहिए, ऐसे इनको लग रहा है। और एक बात ये कहना चाह रहे हैं कि ये जैसे साधना की प्रक्रिया हुए तो वहां में कैसे हुए कि कुछ तो तत्वोपदेश वगैरह हुए कि आदमी को कुछ ज्ञान ही नहीं है सिद्धांत को वगैरह को, तो वो बता दियो, फिर कोई को ये समझ आ गयो कि और कन्विंस हो गयो कि मुको यहाँ पे चलना है या मार्ग पे, वहां को ऐसी इच्छा हो गई वाने संकल्प कर लियो कि मुको ये मार्ग पे चलना है, पर संकल्प करने के बाद वो जीवन में जब आचरण करना शुरू करे तब हर एक व्यक्ति की अपने अपनी कुछ माने क्वालिटीज हो, वाकई कुछ मानसिकता हो, वाकई कुछ संजोग हो, वाको कुछ भाव हो और अनुकूलता हो वाकू साधना चरण की, तो वो हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी हुए, तो वाकई इंडिविजुअल के जो जीवन में वाको आचरण करना है साधना को तो वहां में वाकू क्या हर्डल्स आएंगे वो भी इंडिविजुअल के अपने स्पेसिफिक आएंगे, वो जनरल नहीं आएंगे, तो वाकू खुद को आत्म परीक्षण करके वाकू खुद को ये सोचना पड़ेगा कि मुकू या साधना को आचरण करना है वहां में हर्डल्स आ रहे तो मुकू वाकू कैसे रिजोल्व करने। और या के लिए वो कह रहे हैं कि अपने को उनको स्पेसिफिक गाइडेंस देना जरूरी है कि वो व्यक्ति को एक बार सिद्धांत बता दियो खाली वासु काम नहीं चल जाएगा, वाकू सिद्धांत बता दियो वाकू अपन ने इतना मोटिवेट कर दियो कि वहां ने संकल्प कर लियो कि वो मार्ग पे चलेगा, पर इतना काफी नहीं है, वाकई बाद भी डे टू डे लाइफ में वाकू क्या डिफिकल्टीज आ रही है और वाकई लिए गाइडेंस देना भी जरूरी है। तो जो ट्रेडिशन अपनी स्टाइल है वैसी है कि उनके हिसाब से कि गुरु को यह रोल है कि वो वाकू गाइडेंस देते रहे, इंडिविजुअल वाकी जो परिस्थिति है वो पूरी समझे, वाकी मानसिकता समझे और वाकू कौन सा उपदेश देंगे तो वो वाकू माफक आएगा ये सोच के, पर वो कह रहे हैं कि डिफिकल्ट या अशक्यवत है,
आज की तारीख में कि गुरु से अपन ये अपेक्षा रखे कि वो हर एक शिष्य को ऐसो इंडिविजुअल उपदेश दे पावे, गाइडेंस दे पावे। तो ये आके लिए ये पेज नंबर 20 पे लास्ट लाइन वो करें। एक सुझाव एवो छे कि अपनी समक्ष ना जिज्ञासुओना वर्गीकरण स्वभाव मुजब, संजोग मुजब, शिक्षण मुजब, वय मुजब करिए। तेमने सिद्धांत समझवामां साधनाना आचरणमां जे अलग अलग प्रकारनी आड़खीलीओ आवती होय तेनो अंदाज काढ़िए अने ते उकेलना उपाय प्रश्नोत्तर रूपे अथवा यथोचित माध्यम द्वारा तेमने पहोंचाड़वानो प्रयत्न करिए। और भी मतलब पेज नंबर 20 पे पूरो यही करें कि ये जैसे खास करके यूरोप अमेरिका में ये सिस्टम है कि एक डू इट योरसेल्फ मैनुअल आवे, माने हर एक जो चीज हो कोई माने अप्लायंस है या सॉफ्टवेयर वगैरह है तो वहां को एक डू इट योरसेल्फ मैनुअल बनाया जाए। तो कंपनी क्या करे कि वो एक तो ऑनलाइन एक्सपर्ट रखे कि आपको कुछ डिफिकल्टी हो तो आप ऑनलाइन कॉन्टेक्ट करो और वो आपको गाइड करे कि अब ऐसे करो, सॉफ्टवेयर में ऐसे करो, या कोई अप्लायंस चलाना है तो वो ऑनलाइन बतावे कि अब ऐसे कनेक्शन करो, ऐसे स्विच ऑन करो, ये करो वो करो। और दूसरा एक ऑप्शन हो डू इट योरसेल्फ मैनुअल, तो जो चीज जो प्रोडक्ट बेचे वा के साथ डू इट योरसेल्फ मैनुअल देवे तो वहां वो मार्गदर्शन मिल जाए आपको कि आपको क्या करना है, वो कैसे करना वो मैनुअल में लिखे हुए और वो स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करते जाओ तो वो जो आपको अपेक्षित यूज है वाको वो कर पाओ। तो इनको ये सजेशन है कि अपन को ऐसे टाइप के मैनुअल बनाने चाहिए कि अपनी जो साधना प्रणाली है सेवा संबंधी या कथा संबंधी या शरणागति संबंधी, और वहां में एक एडिशनली अपन जैसे अपनी वेबसाइट पे अपन FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, ऐसे प्रश्नोत्तर रूप में भी कोई जो समस्या है वाके अपन उत्तर दे सके जनरल। और ये मैनुअल भी वो करे कि एक ऐसा जनरल नहीं बनाना चाहिए, थोड़े ऐसे स्पेसिफिक जैसे करें स्वभाव, संजोग, शिक्षण और वय मुजब, मतलब बच्चान के लिए या उनको सिखाना है या संजोग हो माने वृद्ध है या ऐसा सब कि जॉइंट फैमिली में रह रहे या अलग सुल या स्वभाव मुजब, तो वो सब सोच के अपने को ऐसे मैनुअल बनाने चाहिए कि जाकू रिफर करके संप्रदाय में जो जो इंडिविजुअल अधिकारी है वो अपनी अपनी जो डिफिकल्टी है वाको कैसे रिजोल्व करनी वाको गाइडेंस वाको मिले और वो साधना पे अग्रसर हो सके। ते दो चीज यदि अपन कर पाए माने ऐसे मैनुअल्स बनाए और दूसरो ऐसा कैंपेन किया अपन ने, कैंपेन जनरल हो गया जहां में अपन अपने पूरे संप्रदाय को पिक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं कि अपने आचार्य कैसे है, साधना कैसी है, अपने ग्रंथ वगैरह कैसे है, और एक स्पेसिफिक हो गया मैनुअल कि जहां में जाकू साधना करनी है वाकू गाइडेंस मिले डे टू। तो दोनों चीज अगर अपन कर दे रहे हैं तो वाके कारण उनको ऐसा कहना है कि संप्रदाय में ज्यादा लोग आएंगे और चल पाएंगे स्मूथली और जो फल है संप्रदाय को वाकु प्राप्त कर सके। तो ये संक्षेप में सारे इनके पेपर को फाइन। अब एक दो मुझको पूछना हो तो वो एक पेज नंबर 7 वो फर्स्ट पैराग्राफ हमें वो अनाग्रहस्य सर्वत धर्माधर्माग्र दर्शनम की वे वाक्य बारे में ऐसा कह सेकेंड लाइन अहीं दैवोद्धार प्रयत्नात्मा अनुमति आपे छे के तारी अशक्ति और असामर्थ्य हो तो धर्म पालन नो आग्रह नहीं राखतो, हरि सर्व निजे छात करिष्यति। ए विवेक लक्ष्य में राखी अनाग्रही थई यथाशक्ति पालन करते रहे। आम असामर्थ्य हो तो धर्म पालन नो आग्रह नहीं राखतो, अशक्ति असामर्थ्य हो तो अहीं थोड़ो खुलासो अपेक्षित है। तो आज टीकाओ छे आना पर चार टीकाओ एम एवो खुलासो आवे छे के एक लौकिक धर्म हो, वैदिक धर्म हो, भगवत धर्म हो,
तो એમાં આપણે તરતમ ભાવ વિચારવાનો છે અને જે ભગવત ધર્મ છે એ મુખ્ય છે અને લૌકિક ને વૈદિક ધર્મ ગૌણ છે. તો જો ભગવત ધર્મ એટલે કે સેવા કરતા કરતા એને કારણે આપણી લૌકિક વૈદિક ધર્મોના આચરણની અશક્તિ અથવા અસામર્થ્ય હોય તો એ ધર્મ પાલનનો આગ્રહ નહીં રાખવો જોઈએ એવું કીધું છે. તો એ થોડું અમે એડ કરવું જોઈએ કે અશક્તિ અને અસામર્થ્ય હોય તો ધર્મ પાલનનો આગ્રહ એટલે સેવા એટલે ભગવત ધર્મ કરવાને કારણે લૌકિક વૈદિક ધર્મના આચરણની અશક્તિ કે અસામર્થ્ય હોય તો લૌકિક વૈદિક ધર્મ પાલનનો આગ્રહ નહીં રાખતો. એવું કરીએ તો બરાબર. ટીકાકારનું આવું લખેલું છે, એક ટીકાકારનું આમાં ગ્રંથની એટલે તમે અહીંયા શું કહેવા માંગો છો? એ સિવાય મારો કહેવાનું છે, જયારે ઇનિશિયલ સ્ટેજની અંદર જયારે માણસ હોય ને ત્યારે એને કાર્ય કરવાનું શરૂ કરવાનું હોય તો પહેલી વસ્તુ એને ક્યાં નક્કી થઈ રહી છે કે ધર્મ શું છે અને અધર્મ શું છે, કાર્ય તારું નક્કી કર અને પછી તું આગળ વધ. એ પરિસ્થિતિમાં વાત ત્યાં આવી રહી છે કે એ ધર્મ અધર્મ નક્કી કરે બી ખરો પણ એના માટે ધર્મનું સંપૂર્ણ પાલન કરવું શક્ય ન હોય તો અનાગ્રહ રહે છે. એવું કે સિદ્ધાંત પકડીને ચાલતો નહીં કે મારે આપણા જ કરવું છે, કારણ કે મૂળ વાત શું છે, એ જે અસામર્થ્ય છે ને એ અસામર્થ્યમાં પણ ભગવદ ઈચ્છા કે કામ કરી રહી છે એની અંદર. હા પણ એટલે અસામર્થ્ય એટલે આજે મેં ટીકાકારનું બતાવ્યું કે ભગવદ્ ધર્મમાં રત રહેવાને કારણે લૌકિક વૈદિક ધર્મ ન કરી શકે એવું અસામર્થ્ય કહી રહ્યા છે. કોઈ પણ કાર્યને આરંભ કરતી વખતે ત્યાં તો એકચ્યુઅલી વાત શું આવી રહી છે કે આ જે સ્ટેજ છે ને એમાં પહેલું સ્ટેજ જે છે તે ધર્મ અધર્મ અગ્રદર્શન ત્યાંથી એના ઉપાયની શરૂઆત થઈ રહી છે. તો જયારે એ માણસ સ્ટાર્ટ કરતો હોય ત્યારે ભગવદ્ ધર્મ કે વૈદિક ધર્મ કે લૌકિક ધર્મની એના પાસે એટલી બધી સમજણ ન પણ હોય પણ જે કોઈ કાર્ય કરી રહ્યો છે એ શરૂ કરી રહ્યો છે ત્યારે એની પાસે એક જ માપદંડ છે કે ધર્મ છે કે અધર્મ છે એ નક્કી કરી લે. એમાં જયારે ધર્મ નક્કી કરીને ધર્મમાં ચાલવા માંડે અને પછી જો ધર્મ ન કરી શકે તો અટકી જવાનું કોઈ કારણ નથી. એના પર બેસી ધર્મ બરોબર કરવો એના પર ચાલવાની જરૂર નથી, પણ તું એના પર અનાગ્રહ રહી અને તને જે ઠીક લાગે કરતો રહે અને ધીરે ધીરે પછી આગળ વધતો જજે એ પ્રમાણે મારી ગણતરી છે. એટલે જે પંક્તિમાં કહેવા માંગે છે એનાથી તમે કહી રહ્યા છે કોન્ટ્રાડિક્ટરી જરૂર છે, કારણ કે ધર્મ ધર્માગ્રહ દર્શનમ એટલે પહેલા તો એ જોવાનું છે કે ધર્મ અધર્મ અને પછી આચરણ કરવાનું બરાબર. તેનો તો આગ્રહ આવશે ધર્મ ધર્મ અગ્રદર્શન દેટ ઇટ સેલ્ફ મીન્સ કે તમે આગ્રહ રાખો કે અધર્મ છે તો એમાં પ્રવૃત્ત નહીં થાવ, પહેલા જે જોઈ લો કે ધર્મ થશે કે અધર્મ થશે એટલે મને લાગે છે. બીજું એક જે તમે કહી રહ્યા છો વિવેક ને ધૈર્ય એ બે હળવી ભાષામાં એટલે એક ઇનકો એસો કહે ને કે વિવેક ધૈર્ય જો હે વો થોડો લાઇટલી ઉપદેશ દીધો મહાપ્રભુજીને. નહીં નહીં નહીં, મેં લાઇટલી લીધો, મેં લાઇટલી લીધો કે આશ્રય મહત્વ કયું છે, ફળ જો હે આશ્રય મેં હે ઓર વિવેક ધૈર્ય જો હે વો આશ્રય કે અંગરૂપ હૈ. તો વિવેક ધૈર્ય કી બાત મેં જો કરી હૈ ના વો એકદમ લાઇટ વર્ડ્સ મેં કરી હૈ. અચ્છા લે લખવામાં છે એટલે તમે ઓકે ઓકે તો ઠીક. એ જો દૂસરી વાત કહી અબ એ કેમ્પેન કી મેન્યુઅલ્સ કી અભી હમે તો મતલબ હરેક કે અપને અપને મંતવ્ય હો સકે તો મેં સોચ્યું અગર અપને કો કરનો હે તો હરેક જન અપના અપના મંતવ્ય દે સકે આ જાકો દેનો હશે વિચાર મને યહી કરનો એ એસો કો ડિસિઝન તો આયેગો નહીં હમે તો પર્સનલી મેરો મંતવ્ય એસો હે હમે कि हमें मतलब समस्या जो है संप्रदाय की एक समस्या आप जो कह रहे हो वो है और एक मेरे हिसाब से एक दूसरी भी समस्या है. वो समस्या ऐसी है कि अपने यहां शिष्य की ओवर सप्लाई है आज की तारीख में. जैसे आप एक कह रहे हो कि लाखों पुष्टि मार्ग जीवो पुष्टि मार्ग में अंदर आ जैसे ऐसे कैंपेन करेंगे तो पर एक प्रॉब्लम यह भी है अपनी जेन्युइन की अपन જીતને ઝીલ પાવે વ્યાસુ જ્યાદા અનુયાયી અપને આ ચુકે ઓલ ઓલરેડી હૈ ઓર ફિર ભી અપન વાસુ જોર શોર શું ઓર ને લા રહે નહીં. જે બોર્ડર ઉપર બેસેલા છે ને એ લોકો આવશે એની જ વાત છે, બિન પુષ્ટિ માર્ગીઓ નહીં આવે કોઈ,
કારણ કે એ લોકો સમજશે અને સમજીને પછી જયારે આવશે ને, ઘણા લોકો આજની સ્થિતિની અંદર આપણી સામે જે વર્ગ જે છે ને બધો શિક્ષિત વર્ગ છે. હવે કોઈ એમ કહી શકે આ બુઢાઓ હતા જૂના જમાનાના, તો એ વાત હવે રહી નથી. તો એ લોકોને માટે જે પ્રોબ્લેમ જે છે, ખાસ કરીને પુરુષો માટે અને ભણેલા વર્ગ માટે પ્રોબ્લેમ એ છે કે એ લોકોને ખબર નથી પડતી કે આવું કેવી રીતે, શું આની અંદર છે, શું એકચ્યુઅલ નહીં. શરૂઆત કરીને અંત સુધીમાં એને એક કહે ને, વોટ ઇઝ ધી રિઝલ્ટ વી આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ગેટ ફ્રોમ ધીસ, એ કોઈને ખબર નથી. પુષ્ટિ માર્ગમાં આવી જાઓ પણ કરીશ શું, મને મળશે શું, એ કોઈને ક્લિયર ગાઈડન્સ નથી મળી રહ્યું. તો એને જયારે ખબર પડે કે પુષ્ટિ માર્ગના આટલા સ્ટેપ છે, પુષ્ટિ માર્ગનો જે ધર્મ છે બીજા ધર્મ કરતા આટલો આગળ છે, અને એને ઇન્ડિવિજ્યુઅલી જે જોવાનું હોય તો એને ઇન્ડિવિજ્યુઅલમાં આ એની જરૂરિયાત છે, અને એની પાસે એ હોય તો એ આગળ આવી જાય. આગળ આવવું ને અંદર આવવું, એટલા માટે આગળ તો ઉભેલો જ છે. મેં દિવાલ ઉપર કાં તો ઉમરા ઉપર ઉભેલો છે. આજે એવા છે કે આપણે પૂછીએ ને, એનો કુટુંબ પુષ્ટિ માર્ગીય છે, એ પુષ્ટિ માર્ગીય છે, એ વાંચે છે, કરે છે બધું, પણ પછી વિચાર કરે છે કરવાનું શું, આમ મારા હું કેવી રીતે આની અંદર ઘૂસીને શું કરવાનું છે, મને શું મળવાનું, મારે કેવી રીતે કરવાનું છે, એને ખબર નથી. એટ ધ સેમ ટાઈમ જે લોકો જ્યાદા એટલે વધારે એની અંદર છે કોન્ટેક્ટની અંદર બીજા રિલીજનના બીજા ફિલોસોફીની અંદર, એ લોકોને ખબર નથી પડતી કે શું સાચું ને શું ખોટું છે. એટલે જ્યાં સુધી આપણી આખી પ્રોફાઇલ એની સામે ન આવે ને ત્યાં સુધી એ લોકોને આવવાનો એટલે ચાન્સ ઓછો રહે. એમ એટલે એ જ વસ્તુ કર્યો છે કે આગળ વધવું એક અલગ વસ્તુ છે ને અંદર આવવું એક અલગ વસ્તુ છે. હવે અંદર આવવામાં મારું એવું મંતવ્ય છે કે આપણે ત્યાં એક્સેસ સપ્લાય છે કે આપણે જેને ઝીલી શકીએ એનાથી વધારે માણસોનું સપ્લાય છે ને શું કરવાનું. ખોટા માણસો પહેલા નીકળી ગયા, સાચા માણસો આવવાને બંધ શું કામ કરવા. આપણે ખોટા માણસો ઘૂસી ગયા એટલે સાચા માણસો આવવાનું બંધ કરવાની જરૂર થોડી છે. આપણે સાચા આવશે તો ખોટા નીકળે બહાર નીકળી જશે, એવું જરૂર. હા, ડેફિનેટલી સાચાની મેજોરિટી થાય તો ખોટો ઓટોમેટિક બહાર નીકળી જાય ને, એનું વેલ્યુ શું રહે પછી એની. એની જગ્યાએ આપણે એમ રાખીએ તો કે જે લોકો ઓલરેડી આવી ગયા છે એને કોઈ રીતે આવી ગયા છે એના માટે આપણે છે બીજાને લાવવા કરતા એને જે લોકો આવી ગયા છે એના પ્રોપર ગાઈડન્સ માટે કોઈ તો એ પણ આ મોડેલ ત્યાં પણ એપ્લાય થઈ શકે કોઈ પણ. એટલે બધાની વાત બરોબર છે પોતપોતાના દ્રષ્ટિકોણથી. આપણા પાસે બધું મટીરીયલ એક સંસ્થાગત રૂપે સંપ્રદાયને ચલાવી રહ્યા છીએ તો અવેલેબલ હોવું જોઈએ. હવે એનો લાભ લેનાર વ્યક્તિ કોણ છે એ તો જેના પાસે પહોંચશે એનો એ રીતે લાભ લેશે. બહારનો હશે તો એ એન્ટર થવા માટે લેશે, બોર્ડર ઉપર હશે તો આગળ વધવા માટે લેશે, જે અંદર આવી પડ્યો છે ઓર વધારે ઊંડો ઉતરવા માટે લેશે. ટૂંકમાં એમની જે વાત છે કે જે પ્રોફાઇલ કહો કે મેન્યુઅલ કહો, એ જો એ કક્ષા કે સમુદાય કે વય કે શિક્ષા એને અનુલક્ષીને જો તૈયાર થાય સમયે સમયે, આ તો અત્યારે આપણે આજે 2009માં વિચાર કરી રહ્યા છીએ તો અત્યારના સંદર્ભમાં વિચારીશું, 50 વર્ષ પછી પ્રોફાઇલ થોડી ચેન્જ પણ થઈ શકે તે વખતની રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે. તો જૂના સમયમાં પણ જેમ આપણે જોઈએ તો આપણી પાસે એવા સમયે સમયે મેન્યુઅલ ભલે એકદમ અપ ટુ ડેટ ન હતા પણ જે વખતે જે લોકોને જેવું સૂજ્યું તે પ્રમાણે કંઈક કંઈક તો લોકોએ કર્યા જ હતા. પાટણની પાઠશાળાથી નાના બાળકો માટે એને કઈ 30-40 પુસ્તિકાઓના સુંદર સુંદર સેટ નીકળ્યા હતા. તે પછીથી આપણને સુરતની પરીક્ષાઓ પણ ચાલતી હતી, એ પણ કોઈક એવી જ રિક્વાયરમેન્ટ લઈને થઈ હતી. તે પછી જૂનાગઢથી પણ શરૂ થઈ હતી, વડોદરાથી પણ ચાલે છે એમ, અનેક ટાઈમ ટાઈમ પર આ વસ્તુ થઈ રહી છે. પણ આ અત્યારે જે રીતે સંપ્રદાયનું સ્વરૂપ છે એમાં આ બધા ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પ્રયાસો છે, સંગઠિત તો ક્યારે થવાના નથી ને એવું કદી શક્ય બનશે નહીં. એટલે જે અત્યારે થીગડા લગાવી રહ્યા છીએ એ રીતે આપણે કરવું રહ્યું, હકીકત એ રહેવાની છે. એટલે જ છેલ્લી પંક્તિ લખી છે એટલે. હા, એટલે હવે જેમ કોઈકને પ્રોટોકોલ કંઈક સૂજે છે, કોઈકને કંઈક સૂજે છે, તો હવે એ પ્રયાસ તો થઈ જ રહ્યા છે ને. વૈષ્ણવને પ્રોટોકોલ આપણે આપી રહ્યા છીએ પણ આચાર્યના પ્રોટોકોલ છે એની કોઈ વિચાર નથી કરી રહ્યું. આ પણ એક વિડંબના છે. એટલે આવી બધી વસ્તુઓ છે, હવે પ્રયાસ છે એ કોઈ અનુચિત નથી. વાત બતાવો, શાસ્ત્ર કે હિસાબ શું, કન્યા કો હાથ
वर के हाथ में जाने कन्यादान को संकल्प किए हुए हाँ वो करे वो करे। बैठे बिठाए न जाने कौन से दिन क्या लफड़ा भयो कुछ पता नहीं चलियो, पर विष्णुवन के मन में फितूर घुस गई कि बालकन के हाथ से कन्यादान कराना। अब वो प्रोटोकॉल हो गया है कि बालक यदि बिराजे भयो हो तो जाने संकल्प किया है वो कन्यादान नहीं करावे और बालक के हाथ से कन्यादान करावे। मेरे बड़ी गंभीर समस्या कई वक्त या सिचुएशन को फेस करने में भई, और जब मैंने यहाँ की थोड़ी रिसर्च करी तो ऐसे ऐसे भयंकर एस्पेक्ट यहां में से निकले। जैसे एक एस्पेक्ट ये नहीं, जैसे भगवत धर्मानुरोधी समर्पण, लोक व्यवहार अनुरोधी समर्पण और असुर व्यवहार अनुरोधी समर्पण, ऐसे कई तरह के पैटर्न यहां में से ये प्रोटोकॉल में मुकु निकले। और वह मैं यहां तक मिलियो, मैं एकदम प्रामाणिक बात कर रहे हूं, गैस वर्क नहीं कर रहे हूं, के कुछ विष्णुवन की ऐसी भावना आती कि हमारे कन्या को ब्याह हो रहे हो है, हमारी कन्या को आप अपनी कन्या मानो और आप कन्यादान करो। एक पितृधर्मानुरोधी कन्यादान है तो 99% ये उल्लेख मिले है, और वाकई पीछे स्टोरी क्या है या हिस्ट्री क्या है नहीं उल्लेख मिला है, मैं वो पैसेज भी बता सकूं, पर वो जो उल्लेख मिला है वाकई कारण जो हिस्ट्री या स्टोरी होगी वो अपन गूढ़ स्टोरी हिस्ट्री क्या होगी सोचें तो वाको अपन रीराइट कर सकें। तो सहज संभव है कि कोई लड़की को और कोई महाराज को अफेयर होएगो, और वह अफेयर होगो वहां में प्रॉब्लम यह आई कैसो यदि मेरे वाह पति के साथ ब्याह हो जाए तो मैंने तो आपको पति मान रखे हैं, तो वहां में कॉम्प्रोमाइज ये भाई कि अच्छा पहलो हाथ हम महाराज के हाथ में थमा दें, तो पहलो पति महाराज और दूसरो पति तेरो विवाह वालो पति, करके ग्रंथ में लिखे भयो है कि महाराज के हाथ में सबसे पहले लड़की को मां बाप लड़की को हाथ देवे, वो यह अर्थ में देवे कि वो महाराज वहां को पहलो पति है, और फिर महाराज की आज्ञा सु असमर्पित वस्तु नाम तस्माद वर्जन माचरित, वो महाराज जो है वो लड़की को हाथ वाके वर के हाथ में दे समर्पित को, सेवका नाम यथालोके व्यवहार प्रसिद्धति तथा कार्यम समर्प्य ही वर। तो ये प्रोटोकॉल वाको मान्य ग्रंथ में लिखे हुए, मैं ब्लंडर नहीं कर रहे हूं, मैं पैसेज दिखा सकूं पेज नंबर दिखा सकूं। सिद्धांत की चर्चा सु पब्लिक को विमुख करने के लिए प्रोटोकॉल को महत्व दियो जा रहे है उन लोगों के द्वारा जिनने सारे प्रोटोकॉल तोड़ दिए। अपने यहां अंतरजाति विवाह अलाउड नहीं है तो अंतरजाति विवाह करके प्रोटोकॉल तोड़ दियो, बेटी जी ब्रह्म संबंध नहीं देती थी बेटी जी ने ब्रह्म संबंध देकर प्रोटोकॉल तोड़ दियो, वो लोग प्रोटोकॉल को आग्रह करें कि प्रोटोकॉल जो है शुद्ध मुख तो आई वॉश लग रहे है। अब एक सच्ची बात आपको बताऊं, महात्मा गांधी विचारो बाकी मां के साइड से पुष्टि मार्गी है तो बाप के साइड से कृष्ण प्रणामी है तो गरीब को अपराध इतना ही हो महात्मा गांधी को और कोई अपराध नहीं के बाकी मां पुष्टि मार्गी थी भगवती थी वाकू बिचारे को लंदन जाना।